जिला चिकित्सालय के सेफ्टी टैंक में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह लाश चार महापौर जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती हुए युवक की थी। यह युवक भर्ती के दौरान ही अचानक गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी परिजनों द्वारा स्टेशन रोड पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। मृत युवक गोवर्धन निवासी ग्राम आमलीपाड़ा थाना शिवगढ़ था। इसे मिर्गी की बीमारी होने से परिजनों ने इलाज के लिए 6 फरवरी 2020 को जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया था। लेकिन भर्ती के दौरान ही 2 दिन बाद गोवर्धन अचानक जिला अस्पताल से लापता हो गया था। परिजनों ने संपूर्ण जिला अस्पताल में तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। परिजनों ने गोवर्धन के लापता होने पर स्टेशन रोड पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस घटना के 4 माह बाद शनिवार को जिला चिकित्सालय के सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारियों को एक सड़ी हुई लाश मिली, जिसकी जांच के दौरान आज रविवार की सुबह पता चला कि उक्त लाश गोवर्धन की है। गोवर्धन के परिजनों ने लाश के साथ मिले कपड़ों को पहचाना। पुलिस ने लाश से मिली वस्तुओं को दिखाया तो गोवर्धन के परिजनों ने सभी वस्तुओं को पहचान लिया। मेरा नाम है सुरपाल। कल जो लाश मिली वो कौन थे आपके? और ये मेरे पिताजी थे। क्या बीमारी थी उनको? वो झटके वाली बीमारी थी। कब भर्ती किया गया था उनको? 4 महीना हो गया सर उनका। लापता कैसे हुए वो? सर 2 दिन हुआ था भर्ती हुए गए, उसके बाद में वो जांच भी हो गई थी, सुबह छुट्टी होने वाली थी, वो रात में बिना पूछे निकल के 2 ओजन सड़ती उसे, और जिसके बाद में अभी ये पता चला है 4 महीने के बाद में यहाँ पे है। सरकारी अस्पताल के सेफ्टी टीम में एक अज्ञात मतदाता की बॉडी मिली थी, जिसकी आज जानकारी हो चुकी है। मौसम पर आमलीपाड़ा गांव के रहने वाले गोवर्धन गर्भवती है। गोवर्धन को आज से 1 महीने पहले फरवरी माह में उसका लड़का सुखपाल जो है वो मिर्गी की बीमारी का इलाज करवाने के लिए लेके आया था। लेकिन रात में लड़की के सोने के बाद जो है गोवर्धन उठ के कहीं चला गया, जिसकी गुमशुदगी उसने स्टेशन रोड पर दर्ज करा दी, जो कि स्टेशन रोड पे जिसकी जाँच चल रही थी। तो जब गोवर्धन जो गुम हुआ था उस पर जो कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े जो है इस नर्तककार को भी मिले हैं, जिससे कि उसकी पहचान उसके लड़के ने सुरपाल नहीं की। हाथीखाना क्षेत्र में हो रहे एक निकाह को महिला बाल विकास विभाग के दल ने रुकवाया। निकाह रुकवाने की वजह थी लड़की का नाबालिग होना। जानकारी के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग को चाइल्ड लाइन के माध्यम से सूचना मिली कि हाथीखाना क्षेत्र में पिंजरापुर बस्ती में एक निकाह का आयोजन है, जिसमें एक नाबालिग लड़की का निकाह होने वाला है। सूचना पर महिला बाल विकास का दल मौके पर पहुंचा। दल ने लड़की के माता पिता से लड़की की उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे। दस्तावेजों में लड़की की उम्र शादी के लिए निर्धारित उम्र से कम पाई गई। महिला बाल विकास विभाग के दल ने पंचनामा बनाकर लड़की के माता पिता से वर्तमान में निकाह नहीं करने का लिखवा कर लिया। लड़की के परिजन भी तैयार हो गए। बताया जाता है कि बारात भी रतलाम के काजीपुरा से ही आई थी, जो निकाह नहीं होने से वापस खाली हाथ चली गई। हाथीखाना झोपड़पट्टी में चांदनी पिता सन्नो पिता रशीद खान की बालिका की उम्र कम है, 16 वर्ष है, और उसका शादी की जा रही है। तो चाइल्ड लाइन से भी फोन आया तो हम लोगों ने आके इस बाल विभाग को रुकवाया है। बालिका के अंक सूची के आधार पर बालिका 16 वर्ष और 3 माह की है। तो इस आधार पर पिता तो नहीं है बालिका की, माता ने और उनके परिवार वालों ने विश्वास दिलाया कि हम बच्ची बालिका की शादी नहीं करेंगे, 18 वर्ष पूर्ण होने पर भी उसका विवाह किया जाएगा। एक शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों के पहुंचने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर निर्धारित संख्या में ही उपस्थिति पाई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी। मामला नाहरपुरा क्षेत्र में मस्जिद के पास का है। यहाँ एक घर में विवाह समारोह था, जिसमें मेहमान लोग आए थे, तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी थी कि निर्धारित संख्या से ज्यादा मेहमान आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सूचना पर ही पुलिस दल जांच के लिए पहुंचा था। एक शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के जमा होने की मौके पर पहुंची पुलिस को सूचना गलत मिली। विवाह चल रहा था, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, तो क्या मामला था? हमें सूचना मिली थी कि फिरोज मंसूरी पिता लियाकत मंसूरी निवासी नाहरपुरा रतलाम, उसका विवाह कल दिनांक 20/6/2020 को हुआ था जावरा में। उसके बाद में आज उनका भोजन का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जानकारी मिली कि वहाँ पर
50 से अधिक लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो मौके पर जाकर उसकी तस्दीक की गई थी। तस्दीक करने में पाया गया कि उसके घर के अंदर आप जो है 15 से 20 लोग थे परिवार के, वो लोग भोजन वगैरह कर रहे थे। हालांकि इस टाइप से नहीं पाया गया कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा हो। ज्योतिष एवं वैज्ञानिक स्तर पर सबसे खासा रहा आज का हुआ सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान शहर की सड़कें सुनसान रही, वहीं मंदिरों के पट बंद रहे। इस सूर्य ग्रहण को कई लोगों ने विभिन्न तरह से देखा भी। रविवार को सुबह 10:11 पर शुरू हुआ यह खास सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर समाप्त हुआ। इस सूर्य ग्रहण का सूतक शनिवार रात 10 से शुरू हो गया था, जिसके कारण शहर के सभी मंदिरों के पट बंद रहे। शहर में सूर्य ग्रहण के दौरान सड़कों पर आवाजाही लगभग न के बराबर रही, अधिकांश सड़कें सुनसान रही। इसकी वजह थी इस सूर्य ग्रहण का अधिकांश राशियों पर अशुभ प्रभाव होना। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में उत्सुकता भी रही। लोगों ने इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को विभिन्न तरह से देखा भी, जिसमें एक्सरे फिल्म कांच को काला करके देखने का तरीका लोगों ने ज्यादा अपनाया। सूर्य ग्रहण की समाप्ति दोपहर 1:42 पर समाप्त होने के बाद मंदिरों के पट शाम को खुले, लेकिन पट खुलने के पश्चात मंदिरों का शुद्धिकरण किया गया। सूर्य ग्रहण के दौरान बंद मंदिरों के भीतर से अचानक आने लगी घुंघरों की आवाजों से नागरिक चौंक गए। देखते ही देखते मंदिर पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। नागरिक इसे चमत्कार मानने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया और पुलिस ने घुंघरों की आवाज की जांच किए जाने के बाद खुलासा किया, तब नागरिक मंदिरों से हटे। ये घटना है ग्राम बाजेड़ा की। यहाँ हनुमान मंदिर है जो आज सूर्य ग्रहण के चलते बंद था। मंदिर के पट बंद होने के बाद अचानक मंदिर के भीतर से घुंघरों के बजने जैसी आवाजें आने लगी। इन आवाजों को गांव के नागरिकों ने सुना। बंद मंदिर में घुंघरों के बजने की आवाज आने की खबर गांव में फैली तो सैकड़ों लोग जमा हो गए। घटना की सूचना नामली पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण इस घटना को सूर्य ग्रहण में चमत्कार होने की बात कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद बताया कि कसारी नामक एक जंगली कीड़ा होता है जो विभिन्न तरह की आवाजें निकाल सकता है। संभवतः वही कीड़ा मंदिर के अंदर आकर बैठ गया होगा और वही यह आवाजें निकाल रहा था।